और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में। गुड मॉर्निंग वंडरमस फैमिली, एंड हम पहुंच चुके थे डलहौजी कल रात को ही, आराम से खो के डिनर करके अब उठे हैं, अब निकलेंगे हम थोड़ा शायद काला टॉप जाएंगे या फिर खजियार, देखते हैं। खजियार का तो रास्ता बंद है, काला टॉप तक भी कंफर्म नहीं है कि रास्ता खुला है कि नहीं खुला। बाकी सब छोड़ो, तुम व्यू देखो, ये देखो स्नो पीक, क्या गजब स्नो पीक है ये और पूरा व्यू देखो, गजब जगह है एकदम। टेम्परेचर भी एकदम मस्त है और धूप इतनी चिलचिलाती धूप है, मज़ा आ गया। तो अभी देखते हैं, बाकी थोड़ा सा मैं टाइम लैप्स शूट करूँगा, टाइम लैप्स एंजॉय करना, बाकी खजियार रास्ता चल के देखते हैं। जो करंट सीन इज कि हम डलहौजी से ऊपर अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है। एक्चुअली ये बीआरओ रोड है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकल को अलाउड है, इवन लोकल को भी एज अ टैक्सी अलाउड नहीं है। पहले हमने यहाँ पे लोकल टैक्सी करी है और उसके बाद जो बीआरओ का चेकिंग पॉइंट है वहाँ से टैक्सी क्रॉस किया हमें उतार के, और फिर हमें बिठाया गया है। क्योंकि थोड़े दिन पहले यहाँ पे थोड़ा छोटा एक्सीडेंट हो गया कि बाहर के लोगों को एक्चुअली पहाड़ों पर गाड़ी अच्छे से चला नहीं पाते वो, तो इसलिए कोई गाड़ी वाड़ी गिर गई होगी। और बीआरओ वाले यार बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। एक तो स्नो भी वहाँ पे ज़्यादा है और थोड़ा रास्ता भी बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो करंटली वी द सीन इज कि हम जा रहे हैं अभी टैक्सी लेके खजियार रोड, खजियार तक तो नहीं जा पाएंगे, स्नो पॉइंट जा रहे हैं और देखते हैं स्नो पॉइंट वहाँ पे कितनी दूर है, कैसा है, क्या सीन है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई भी मेरे को ड्रोन उड़ाने देगा, वहाँ पे ही डलहौजी में ही मना कर दिया था, डलहौजी में ही मना कर दिया था कि डलहौजी में नहीं उड़ा सकते आप ड्रोन, तो ऊपर तो मेरे को नहीं लग रहा किसी भी हाल में उड़ा देंगे। बाकी आप व्यू थोड़ा एंजॉय करो, मैं टाइम लैप्स वगैरह ले रहा हूँ, देखते हैं स्नो पॉइंट चल के क्या स्नो है क्या। चलो थोड़ा थोड़ा हमें बर्फ दिखनी स्टार्ट हो गई है, रोड पे ही पड़ी है। आप 9 के आसपास पहुंचेंगे, 9000 फीट। ओके ओके, तो जो हमारी सबसे हाईएस्ट पॉइंट डेड पूल है। अच्छा अच्छा, डेड पूल वो है क्या, कौन सा डेड पूल? डेड क्या, भद्रकाली टेम्पल। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो जी हम जो जाएंगे आपने किलो आधा किलोमीटर आगे जाना है, यहाँ से हम। अच्छा अच्छा, यहाँ से हम जा रहे हैं स्नो पॉइंट विच इज अबाउट 9000 फीट। देखते हैं यार वहाँ क्या है। बाकी व्यू बहुत बढ़िया है, डलहौजी अच्छी जगह है, वैली बहुत अच्छी है। चलो देखते हैं आगे, स्नो पॉइंट पास आ रहा है, स्नो दिख रही है हमें सारे में। ओहो बहुत बहुत हंसी आ रही है ना बेटा, जाओ ले आओ डलहौजी, नहीं तो वैष्णो देवी से दिल्ली जाते तुम सीधा। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत बर्फ ही बर्फ। काला टॉप पहुंचने वाले यार, 2-3 किलोमीटर और है और आराम से बहुत बढ़िया तरीके से बर्फ पड़ी हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको, कैमरा जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा भाई, दिखाओ हर चीज़ साइड में पूरे में बर्फ बर्फ, हर जगह बर्फ है जी, पूरी बर्फ है जी। गिरते हो तो जाने नहीं देते, वो जाने नहीं देते भी है ना। हाँ रास्ता बंद, नहीं नहीं वैसे तो ले आते हैं गाड़ी आगे लगा लेते हैं। भाई सब मजेदार बर्फ है तो वो जा जाएगी भाई जी। वो तो यहाँ कितनी प्यारी आएगी। लोकेशन क्या डालूं? काला टॉप। हाँ जी, थोड़ा सा लिया है, एक मिनट का होल्ड, थोड़ी सी एक आधी फोटो खींच लें यार, और व्यू दिखाऊं एक बार, व्यू देख लो। जबरदस्त व्यू, एकदम जबरदस्त, पूरा स्टेप फार्मिंग हुई हुई है, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा तो हुआ है, 9-10 क्लास के अंदर पूरी स्टेप फार्मिंग रखी है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नीचे, और पीछे पीछे पूरी रेंज देखो। भैया ये कौन सी रेंज थी पीछे वाली, पाकिस्तान वाली, पीर पंजाल? ये जी अपनी पीर पंजाल रेंज है, अपना कहाँ से भैया, कहाँ पे, पाकिस्तान और कश्मीर, इधर पाकिस्तान, इधर कश्मीर, उधर पाकिस्तान। तगड़ा व्यू है, बहुत मज़ा आ गया।
हाँ जी पहुंच चुके स्नो पॉइंट और ये देखो स्नो गजब मस्त ठंड है मस्त. दिस इज द व्यू वी केम फॉर. ओहो टैप जबरदस्त बर्फ मजा आ गया भाई सही में. सच अ नाइस प्लेस सच अ नाइस प्लेस. ओहो बर्फ ही बर्फ. ओ भाई साहब भैया व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाएंगे बनाएंगे. मौसम मजा आ गया इतनी तगड़ी बर्फ है ना. कैसा मजा आ रहा है बढ़िया फीलिंग है. फोटो अरे वीडियो बन रही है माते. ये देखो बर्फ देखो ये मेरा भी तैर गया था इसमें. ये देखो इतनी बर्फ है पूरी पूरी. ये देखो ये देखो पूरी मस्त बर्फ है. लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स देख लीजिए अपने वॉर्नमस 96 की थोड़ी सी स्ट्रेंथ. सो भाई खेल कूद के अब चल दिया नीचे वापस तो गांधी चौक जाके बात करते हैं. बाकी मजा कैसा आया भाई बर्फ में. लंच वंच कर लिया भैया चल रहे हैं नीचे पठानकोट और व्यू आप देख ही रहे हो इतना जबरदस्त व्यू है ना मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में. इधर पहाड़ी देखो एकदम मस्त धूप पड़ रही है. पठानकोट पहुंच के फिर बताते हैं आगे का सीन. ओहो हो अपन पहुंचे हैं अभी अपना आराम से अपने और उतराई तो कर ली थी कहाँ से गांधी चौक से. गांधी चौक से क्या नाम था यार उस जगह का. हाँ डलहौजी से. डलहौजी से हम अपना उतर गए थे पठानकोट. पठानकोट से हम थोड़ा सा आगे आए हैं अभी जलंधर यहाँ से है 113 किलोमीटर्स. तो हम अभी प्लान हमारा है जलंधर हवेली रुकने का. ये लाइट इतना क्या हो गया कैमरे के अंदर. इट बेटर नो. लिटल बिट बेटर. हाँ तो अभी हम जाएंगे जलंधर. जलंधर हवेली रेस्ट करेंगे खाना खाएंगे. मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ सो जाऊँ यार क्योंकि कल रात मैं ज़्यादा अच्छे से सो नहीं पाया और पूरी रात गाड़ी चलानी है. और अभी मेरे को गूगल मैप्स दिखा रहा है 4 बजे करीब मतलब 3:13 दिखा रहा है दिल्ली पहुँचने के लिए घर तक एग्जैक्टली. बट उसके बाद यार गाड़ी भी देखे आनी है मेरे को नोएडा वो भी बहुत दूर है. नोएडा एक्सटेंशन बहुत आगे जाके है तो लेट्स सी क्या सीन बनता है अभी. बट मेन चीज़ जो थी ड्रोन का था मेरा मन बहुत ज़्यादा बट ड्रोन हम उड़ा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशू थे. तो यार कोई बात नहीं सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को. तो बल्कि हमारे लिए हमारे लिए अब हम रुके हुए हैं एक ऐसी हॉल्ट 5 मिनट का हॉल्ट. लोग वॉशरूम वगैरह फ्रेश हो रहे हैं. फ्रेश होकर भैया निकलते हैं फिर हवेली चलेंगे. हवेली में खाना खाएंगे फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर आगे चलेंगे मतलब धीरे धीरे दिल्ली पहुंच जाएंगे कल तक कल सुबह. फिर मिलते हैं. हाँ जी आराम से पहुंच चुके हैं जलंधर और जलंधर में ब्रेक लिया है खरेंगे अपना डिनर. कहाँ पे हवेली कहाँ गया हवेली. अपना डिनर विनर करते हैं फिर आगे की बात करते हैं. पहले चलते हैं अपना हवेली. इधर 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 चलिए जी हवेली चलते हैं. चल रहे हैं अभी आने वाली है. ये आराम से पहुंचे हमारे घोड़ी जा. दिस हाउ द एम्बियंस लुक ऑफ हवेली जलंधर. बहुत अच्छा सेटअप है यार. ओहो ट्रक व्रक गाड़ियाँ वाडियाँ सारी हैं जी. खा लो जी बैठो जी खाना खाओ जी. चलो जी आ जाओ. डोंट माइंड दिस आई एम ईटिंग पान. यार मैंने इतना सारा खाना खा लिया ना
हमने पता क्या क्या ऑर्डर करा था, स्पेशल दाल मखनी, पनीर लबाबदार, इनका डे का वो था स्पेशल, सरसों का साग, यहाँ आया तो सरसों का साग, मक्की की रोटी, बटर नान, पनीर लबाबदार बता दिया, पालक पनीर, मटर मशरूम, और क्या था, और दाल मखनी, दाल मखनी भी बता दी, सॉरी ये चीज़ थी। उसके बाद अमृतसरी स्पेशल लस्सी, और उसके बाद स्पेशल केसरी दूध। भाई साहब इतना टन हो गया ना, मैं मेरे को डर लग रहा है यार कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, क्योंकि मैंने गोल्ड मैप में चेक करा है, आ रहा है सुबह के 4 बजे आ रहा है, पहले 3:30 आ रहा था, आधा घंटा लेट और आ रहा है। लेट्स सी कि कितना स्पीड से गाड़ी चल सकती है, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लूँ, क्योंकि यार रात की ड्राइविंग में थोड़ी दिक्कत होती है, एक्चुअली नींद आने का खतरा रहता है बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन प्लेन का रास्ता वो तो मैं खींच लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट ट्रिप गोना एंड सून, बट काफ़ी मज़ा आया यार, तीन चार दिन की ट्रिप थी। वैष्णो देवी माता के इतने अच्छे दर्शन हुए, बाकी मैं सारी चीज़ें आपको एंड में बताऊँगा। तो लेट्स सी कि अभी रास्ते में कहाँ रुकते हैं। अभी यहाँ से 370 है दिल्ली घर, उसके बाद एक हॉल्ट मैं लूँगा 150 के बाद, 150 किलोमीटर के बाद, और फिर सीधा दिल्ली, या फिर हम शायद मुरथल भी रुक सकते हैं हम एक सुबह। तो चलते हैं भाई, फिर करते हैं बात। धुरंधर पार करके आ गए हरियाणा, अम्बाला में एंट्री कर लिया है। अभी भी गूगल मैप्स 4:30 बजे दिखा रहा है दिल्ली, आई होप थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। अम्बाला में जस्ट एंट्री करी है, अभी एंट्री करने के बाद लेट्स सी कहाँ हॉल्ट लेते हैं, चाय ब्रेक लेनी है, और सोच रहा हूँ कि 100-150 रह जाए तभी ब्रेक ली जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी खींच जाए, तो एक बार पहुँच जाए करनाल के बाद ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, आराम से पहुंच गए दिल्ली, सबको उतार दिया, मम्मी को, मौसी को, मामी को, मौसा जी को, सबको अपना दिल्ली उतार दिया, घर पर उतार दिया मतलब। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 6, एंड सीन इज कि मेरे को लग रहा था कि यार पूरी रात ड्राइव करी है, और जिनसे गाड़ी रेंट पे ली थी मैंने सोचा कि गाड़ी क्यों ना दे आए, अभी यू नो दिल्ली, वी आर इन दिल्ली सो मास्क इज ऑन, वरना आपको पता है 2000 का चलान ऐसे यूं कट जाएगा यूं, तो कोई बिना रिस्क लेते हुए हमने मास्क पहन लिया है अपने अपने। हाँ तो सीन ये है कि यार मैं जा रहा हूँ जहाँ से मैंने गाड़ी रेंट करी थी, सेल्फ ड्रिवन कार, विच इज़ इन सेक्टर 62 नोएडा, फॉक्स ड्राइव कार्स। अभी मैं वहाँ उनकी सारी डिटेल्स आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ अ ब्यूटिफुल ट्रिप, चलो बाकी एंडिंग लास्ट में करते हैं, ओके बाय। हाँ जी वॉन्डमस फैमिली, ये देख रहे हैं आप ट्रिप पे मैंने सेट करा था, विच इज़ नाउ 1758.2 किलोमीटर्स। देख लिया कितनी ड्राइविंग करी है, खैर सब कुछ सारी बातें छोड़ के इतनी अच्छी ट्रिप रही, सेफली सब हम लोग घर आ गए। नू के हम 9 फैमिली मेम्बर्स थे, आराम से माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, आराम से हम फिर हिल स्टेशन भी घूम लिए, कहने का मतलब सब कुछ बहुत प्यार से हो गया और सेफली हम घर आ गए। अब बस यहाँ पे मैंने गाड़ी भी दे दिया, पे भी कर दिया है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थे वो मेरे को बाद में मिलेगा। एंड अगर आपको भी सेल्फ ड्राइव कार चाहिए नोएडा के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर, शायद मेरे को नोएडा में यही मिला था, तो मैं इनका सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी इनके पास गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, इनोवा क्रिस्टा भी है, XUV 5W भी है, मराजो भी है, स्विफ्ट है, बलिनो है, KUV 100 है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बट मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए थी, और अनलकीली मेरे पास मतलब उस टाइम पे इनोवा क्रिस्टा अवेलेबल नहीं थी, तो मराजो वॉज द ओनली ऑप्शन। XUV 5W बिल्कुल भी कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है फॉर लॉन्ग रूट, और हम ऑलरेडी एक जना ज़्यादा था हमारे, और लगेज भी हमारे साथ ज़्यादा था, बट दिस कार मराजो लाइक हाईली रिकमेंडेड कार। अगर आपको लंबा जाना है और आप लोग ज़्यादा हो भाई, या तो इनोवा क्रिस्टा, मेरे को पता नहीं है, इनोवा क्रिस्टा मैंने चलाई नहीं है और ना मैं उसमें बैठा हूँ, बट हाँ हाईली एक्सपेक्टेशन है वहाँ से कि वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगी। एंड सेकेंडली महिंद्रा की कोई कार मेरे को आज तक जो पसंद आई है ना सबसे ज़्यादा, ये गाड़ी पसंद आई है ऑनेस्टली।
मेरे को XUV 5W के थोड़े फीचर्स वगैरह और वो जो मतलब इन्फोटेनमेंट्स के वो बटन्स वगैरह हैं वो टिक टिक जो करते हैं वो पसंद नहीं है, बट ये देख ये गाड़ी बहुत अच्छी है यार। मतलब मैंने हाईवे पे इसको 160 तक भी भगाया, इसका मीटर 180 तक है, मैंने 160 तक भगाया था इस गाड़ी को, और उसके बाद भी ये रेडी थी जाने को। और ऊपर 6 गियर गाड़ी के अंदर पावर बहुत अच्छी है, पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है, मतलब पहाड़ों पे मैंने असली पावर यार पहाड़ों में पता चल जाती है। तो वही एक अगर आपको मतलब लंबी गाड़ी के हिसाब से बड़ी गाड़ी के हिसाब से कोई आप ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो मराजो हाईली रिकमेंडेड कार यार, बहुत अच्छी कार है, कंफर्टेबल, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, ट्यूनिंग सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, भागती बहुत बढ़िया है, स्पेस बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल सीट बहुत ज़रूरी है यार वो लॉन्ग ट्रिप के अंदर ना, जो कि इसकी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रिप एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगे। आई डोंट नो मैं कब तक एडिट करके डाल दूंगा, बट हाँ जल्दी की जल्दी डाल दूंगा। सो कीप वॉचिंग वंडरमस 96 एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ट्रिप और नेक्स्ट ब्लॉग्स। मेरे को 2021 के अंदर मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अपना चैनल ग्रो करूँगा, सो लेट्स सी हाउ मच आई कैन मेक इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रिप, बी सेफ, इन्जॉय करो, अपने मॉम डैड को प्राउड फील कराते रहो। बाय बाय, गुड लक।